गाइस, मेरा नाम है कीर्ति और cookfair.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। हैप्पी गणेश चतुर्थी दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मोदक। ये नारियल के मोदक हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना तो इतना आसान है कि आप पल भर में बना लेंगे। तो इस गणेश चतुर्थी आप अपने गणेश जी को ज़रूर खुश कीजिए। और ये देखिए, एकदम लाजवाब भी लग रहे हैं देखने में और बनाने में बहुत ही आसान है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है और बिना किसी चीनी के भी आप इनको बना सकते हैं। बस बहुत कम इंग्रेडिएंट में ये बन जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मैंने एक कढ़ाही ली है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें मैंने एक गिलास के करीब दूध डाला है। दूध थोड़ा एक उबाल आ जाए तो इसमें मैंने ये डेसिकेटेड नारियल लिया है। ये देखिए, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको, या तो आप एक गोला लेके घर में भी इसको बना सकते हैं। इसको बनाना आसान है, बस गोले को लेके उसको घिसना होता है। तो ऐसे मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने एक चम्मच के करीब काजू का पाउडर डाला है और मैंने एक चम्मच के करीब बादाम का पाउडर डाला। ये एकदम ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ले लें, नहीं तो एकदम क्विट कर सकते हैं आप। इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि हमारा दूध कम ना हो जाए। ये देखिए, ऐसे चलाते चलाते मैंने इसको कम कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने मिल्क मेड लिया है अमूल का। तो ये देखिए, मैं 2 चम्मच के करीब इसमें मिल्क मेड ऐड कर रही हूँ। इससे शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, एकदम खोया जैसे टेस्ट आ जाता है। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर अच्छी तरह हम मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। जब ये डो फॉर्म में आ जाए तब तक हमें पकाना है। ये देखिए, डो फॉर्म में आ गया है, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। फिर हम लेंगे मोल्ड और उसमें ये जो मैंने बनाया है अपना नारियल का, तो इसको हम इसमें ऐसे दबाते हुए चारों तरफ से प्रेस करते हुए इसमें डाल देंगे। दोनों तरफ से ऐसे फिल कर देंगे और फिर ऐसे आपको बंद करना है। जो एक्स्ट्रा हो उसको निकाल लीजिए और अंदर से भी ऐसे ही आपको एकदम फिल कर देना है। बहुत फिल नहीं करना है, बस नॉर्मल ही चारों तरफ से फैला दीजिए। और ये देखिए, मोदक बनके तैयार हो गया है। कितना आसान है बनाना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये देखिए, एक मैंने मोदक बना के तैयार कर लिया है, ऐसे ही मैंने दूसरा मोदक भी बना लिया है आराम से। तो ये देखिए, ऐसे फिल कर देंगे दोनों तरफ से। इसके बाद ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ही ले के फिल करेंगे, फिर ऐसे दबाएंगे। इसके बाद से जो बाहर आ जाए उसको अच्छे से साइड हटा लीजिए और अंदर भी दबाते हुए बस आपको डाल देना है। इसको बनाना बहुत ही इजी है, ज़रूर ट्राई करनी, एक बार ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, मोदक बन के रेडी हो गया है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसे ही मैंने दोनों मोदक बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैंने 3 मोदक यहाँ पे तैयार किया है। इसके ऊपर से थोड़ा सा नारियल का, जो ये मैंने बुरादा लिया है डेसिकेटेड नारियल, इसको थोड़ा डाल देंगे इसके ऊपर से, तो ये अच्छा लग रहा है। फिर मैं एक नारियल के अंदर चॉकलेट भर के फिल कर रही हूँ, इससे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर एक चॉकलेट पड़ी थी तो उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके इसके अंदर डाल दिया है और ऊपर से मैंने ये थोड़ा सा नारियल का भी लगा दिया है। तो पहले मैंने नारियल डाला था, उसके बाद चॉकलेट, इसके बाद फिर से मैंने नारियल को अच्छे से फिल कर दिया है। ये देखिए, ऐसे जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और अच्छे तरह से प्रेस करना है। और ये देखिए, ये भी सेम मोदक है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट है, तो बच्चे तो एकदम खुश हो जाएंगे। तो ऐसे आप सारे मोदक बना के तैयार कर लीजिए। थैंक यू।